सपा में कैसे प्रमोशन हो सकता है, सपा का कोई अस्तित्व तो बचा ही नहीं तो प्रमोशन कहां पे होगा, मतलब जिसका कोई स्वयं में अस्तित्व तो ना हो वहां पे प्रमोशन कैसे। और रामचरितमानस का विरोध यानी राम का विरोध, प्रभु श्याम श्री राम का विरोध करके कोई जीवित बचा नहीं है, कोई बढ़ा नहीं है, इसका सीधा सा उदाहरण रावण है। सनातन धर्म पर जो पा रहा है वो इस देश में या प्रदेश में जो है वो लगातार वार कर रहा है, वो चाहे कुछ लोगों का जो मत है वो है टीआरपी पाना, या कुछ लोगों का मत है हिट होना, या कुछ लोगों का मत है वाकई में जो उनके दिल में रहता वही दिमाग में रहता और जुबान पर आ जाती है बात। तो आपको नहीं लगता है कि और धर्मों के अलावा जो है सनातन पर जो है वार करना ज्यादा आसान हो गया है? देखिए सनातन धर्म में सबसे सहज और दयालु धर्म है, इसमें चींटी को भी आटा दिया जाता है, किसी जानवर जो जानवर सांप है अगर सांप किसी को काट सकता है मर सकता है आदमी, उसको भी हम लोग बचाने का प्रयास करते हैं, पागल कुत्ते को भी नहीं मारते हम लोग, ये है सनातन धर्म, इस पे कोई भी वार कर सकता है। अगर ये जो दलाल टाइप के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं अगर इनकी औकात है तो इस्लाम के ऊपर टिप्पणी करके दिखाएं, मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करके दिखावे, इनकी औकात दिखा दी जाएगी। सनातन धर्म है उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी कर सकता है क्योंकि ये दयालु धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, इस धर्म का सबसे बड़ा एक नियम है। अभी जो इस समय जो बड़े एक उसमें लाइमलाइट में चल रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, तो उन्होंने जो एक पहल अभी ठान रखी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना, चूंकि आप भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आप बाबा बागेश्वर के समर्थन में क्या बोलेंगे, उनकी उनके जो स्टेटमेंट है उन पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ है जिसका सबसे पहला उद्देश्य ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम लोगों ने इसके लिए कई कार्यक्रम भी किए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं सम्मान करता हूं दिल से, जो एक संत है जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज उठाई, इससे पहले अयोध्या के परमहंस जी ने भी उठाई और इस समय बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आवाज उठा रहे, जिस मुहिम को तेजी से चला रहे हैं और जिस तरीके से वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये लगता है कहीं ना कहीं भारत देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो हिंदू खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत भी है नहीं, लेकिन अगर बन जाएगा तो हिंदू बच जाएगा। आज पाकिस्तान की स्थिति आप देख लीजिए, वहां मुसलमानों की भी दुर्दशा है कि जहां मुसलमान बढ़ा वहां जीव खत्म हुआ है, ये सीधा सा उदाहरण है। लेकिन एक चीज आप समझ लें, अखंड भारत की परिकल्पना तब सफल होगी जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र बनाना ही हमारा उद्देश्य है, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा उसके बाद अगर अखंड भारत का निर्माण हम करेंगे तो ही सफलता मिल सकती है। जातियों में हिंदू इतना बटा हुआ है, कोई बौद्धिस्ट हो गया है, कोई पिछड़ा, कोई दलित अपने आप को कह रहा है, ऐसे में जो मुसलमान या मुस्लिम उलेमा जो धर्म गुरु है वो लगातार सनातन परिवार कर रहे हैं कि जब आप में एकता नहीं है तो आप हमारी बात क्या करेंगे, तो इस पर आपकी विचारधारा क्या है और आप इन लोगों को कहेंगे क्या, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले तो हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि ये कलावे का ध्यान दें और आपस में जाति के नाम पर मत बटे, क्योंकि ये जाति के नाम पर बांट रहे हैं ये सिर्फ है, बाकी जाति का कोई नेता नहीं है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा दल्ला जो कहता है कि मैं पिछड़ों की राजनीति करता हूं, अगर ये कहे तो आरक्षण छोड़े, भाई संविधान में कहीं भी ये नियम नहीं लिखा गया कि जीवन भर आपको आरक्षण का लाभ मिलता है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप दलित हैं, आप बैकवर्ड हैं, और आरक्षण का लाभ आपको लेना भी है और उसके बाद आप उस पर रामचरितमानस की टिप्पणियों पर बवाल कर रहे हैं। सर समाजवादी पार्टी से अभी कल जो है वो ऋचा करके और एक कोई तिवारिया मिश्रा करके जो है कोई दो प्रवक्ता हैं जो बड़ी प्रखर प्रवक्ता थी, उनका जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कटाक्ष करना इतना भारी पड़ गया कि उनको समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता अखिलेश यादव ने कल दिखा दिया और उस पर बड़ा घमासान भी मचा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता के लिए हमने बाहर किया, हमारी पार्टी ने बाहर किया है। तो आपको क्या लगता है कि सवर्ण और खास तौर पर सवर्णों में ब्राह्मण ठाकुर इनका जो है अपमान हो रहा है लगातार समाजवादी पार्टी में, देखिए, या फिर पिछड़े की राजनीति भी करने लगी MY फैक्टर के साथ साथ? देखिए अखिलेश यादव को मैं क्या कहूं, राहुल गांधी तो पप्पू के नाम से फेमस थे तो पप्पू बनते चले गए, और अखिलेश यादव के साथ भी यही चल रहा है, पप्पू से बदतर स्थिति इनकी होती चली जा रही है। भाई आप MY फैक्टर आपको ले डूबा, अब ये बैकवर्ड राजनीति,
देखिए, मैं किसी जाति विशेष का नहीं, मैं हिंदू लेता हूं, मैं सबको जोड़कर चलने की बात कर रहा हूं। और आप ब्राह्मण ठाकुर का अगर विरोध करेंगे तो कोई भी व्यक्ति सवर्ण का विरोध करके कहीं भी सफल नहीं हो सकता। हिंदुओं को बांटने की जरूरत नहीं है, ये जो बैकवर्ड और दलित के नाम पर बांट रहे हैं ये इनके विनाश का कारण बनेगा। जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने धोखा खाया, इस बार भी इनके साथ नुकसान हुआ, भविष्य में भी इनके साथ नुकसान ही होगा अगर ये हिंदुओं को बांटना नहीं छोड़ेंगे और जातिगत राजनीति बंद नहीं करेंगे। हे शास्त्री के ऊपर भी जो है कई बाबाओं की तरह पाखंड का आरोप लगता रहा है और अभी भी लग रहा है, तो आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? हिंदू धर्म के बाबा है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं उनके साथ हर हिंदू को खड़े होना चाहिए। जो बाबा अगर हिंदू धर्म का पाखंड भी कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कहीं से कोई पाखंड नहीं कर रहे, अगर कोई बाबा कर भी रहा है और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रहा है तो हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। हमें इस मामले में मुसलमानों से सीखने की जरूरत है। जो इनके धर्म का कोई भी उलेमा सब भ्रष्ट है, लेकिन कोई भी मुस्लिम जो है उनका विरोध नहीं करता, उनकी चर्चा परिचर्चा नहीं होने देता, और हम अपने ही धर्म के लोगों को बुरा भला कर उनके प्रचार प्रसार करते, उनकी बेइज्जती करते, ये कहीं ना कहीं हमारी कमी, हमारी असफलता का कारण है। क्या कारण है सर? ये भाजपा जो है वो भाजपा ही जो है वो साधु संत के रखवारी है, कहते हैं जैसे हनुमान चालीसा में एक लाइन है, और कोई पार्टी जो है वो क्यों सनातन धर्म से जो है एक नेगेटिविटी दिखाती है, वो हमेशा बायकॉट करती है, कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखा गया है, इसका रीजन क्या है? ये भ्रम जाल है लोगों का। एक चीज समझिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, और राम ही सृष्टि के रचयिता है, राम ही सबके निर्माता है, और राम बिना किसी का जीवन सफल नहीं है। चाहे राहुल गांधी देख लीजिए, इस समय मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अखिलेश यादव मंदिर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इससे पहले जा रहे थे? नहीं जा रहे थे ना, अब सब जा रहे हैं। तो अयोध्या भी बन चुकी है, काशी भी बन चुका है, अब मथुरा की बारी, इस बार उसको भी ले लेंगे, इसके बाद कोई भी बीच में है।